जो है हम डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जो ड्रग होगी वो डायरेक्ट जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगी और एसिटाइल कोलिन जैसा सेम फंक्शन देगी। सही है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होगा एसिटाइल कोलिन जैसा। अब ये फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड होती है, एक मस्कुरिनिक और दूसरी होती है निकोटिनिक। अब जो मस्कुरिनिक होती है वो फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड होती है, एक कोलिनिस्टर्स और दूसरे होते हैं अल्कोलाइड्स। सही है, और निकोटिनिक का मतलब ये होता है कि निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगी। मस्कुरिनिक का मतलब ये होता है कि रिसेप्टर जो होंगे वो मस्कुरिनिक रिसेप्टर होंगे जिसके साथ ड्रग जाके बाइंड करेगी। अब जो कोलिनिस्टर्स, इसका मतलब ये होता है कि जो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ड्रग का वो बिल्कुल सेम होगा एसिटाइल कोलिन जैसा। पर एसिटाइल कोलिन में हमने देखा है कि एसिटाइल कोलिन किससे बना होता है, एक होता है कोलिन इसमें और दूसरा होता है एसिटेट। सही है, ये दो चीज़ें होती हैं। पर जो ड्रग्स होंगे, ये वाले ड्रग्स जो होंगे कोलिनिस्टर, इसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होगा, जैसे कि उसमें जो है ना कोलिन और कार्बामेट हो, कोलिन अर्बामेट और मिथाइल हो, या कोलिन और मिथाइल हो, इस तरह की मतलब थोड़ी सी चेंजिंग आएंगी। सही है, अब इसमें जो चार ड्रग्स होंगे, एक मेथकोल होगा, कार्बोकोल, एसिटाइल कोलिन और बेथेनिकोल। मेथकोल, कार्बोकोल, एसिटाइल कोलिन और बेथेनिकोल। सही है, अब अल्कलॉइड जो प्लांट से ड्राइव होते हैं, जो प्लांट से हमें मिलते हैं, सही है, वो पाइलोकार्पिन हो गया। सही, और दूसरा होता है मस्कुरिनिक, जो मस्कुरिनिक प्लांट से ड्राइव होता है। सही है, अब जो पाइलोकार्पिन होता है वो तब यूज़ होता है जब हमें जो है ग्लूकोमा हो, क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो, क्योंकि ये पाइलोकार्पिन जो है क्या करवाता है, प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन करवाता है, प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन करवाता है, तो ग्लूकोमा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और जो प्रेशर होता है वो रिलीफ होता है आइस पे, तो पेशेंट को मतलब ज़्यादा फायदा होता है। और शोग्रन सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि इसमें ये होता है कि एक अच्छा शोग्रन सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है। इसमें ये होता है कि जो ऑटोइम्यून सेल्स होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स या आई में जो भी ग्लैंड्स होते हैं, लैक्रिमल जो भी ग्लैंड्स होते हैं, वो जो है वो डिस्ट्रॉय जाते हैं इस ऑटोइम्यून सेल की वजह से। तो उस वजह से क्या होगा कि हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स वर्क नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा, आइज़ में टीयर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, नेजल सीक्रेशन नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है हमें ड्राई माउथ, ड्राई आइज़ हो जाएंगी और फिर इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम पाइलोकार्पिन यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास सीक्रेशन ज़्यादा बढ़े, नोज में सीक्रेशन बढ़े, आइज में सीक्रेशन बढ़े और माउथ में सीक्रेशन बढ़े। कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होती हैं उसका फंक्शन ही ये होता है कि हमारे पास सीक्रेशंस को बढ़वाना, जैसे कि हमारी जीआईटी की सीक्रेशन बढ़वाना या हमें जो है आइज की सीक्रेशन ज़्यादा करवानी है, इस तरह से। सही है, और जीरोस्टोमिया का मतलब ये होता है, जीरोस्टोमिया भी इसमें जो है ना हमारे पास ड्राई माउथ हो जाता है, ड्राई आइज हो जाती हैं। पर इसका कॉज ये है कि हमारे पास जो नेक का ट्यूमर हो जाता है या फेस का ट्यूमर हो जाता है किसी बंदे में, तो वो कीमोथेरेपी करवाते हैं या रेडिएशन यूज़ करवाते हैं, तो रेडिएशन यूज़ करवाते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो जीरोस्टोमिया हो जाता है, ड्राई माउथ हो जाता है। तो वही पाइलोकार्पिन यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास सीक्रेशन बढ़े और ड्राई माउथ जो है सही हो जाए। सही है, अब दूसरी हमारे पास जो ड्रग है वो मेथेकोल, पाइलोकार्पिन हो गई। सही है, अब मेथेकोल हम पहले पढ़ते हैं। मेथेकोल का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास एस्थमिक पेशेंट होते हैं उनका जो है ब्रोंक्योल्स जो है ज़्यादा वो क्या होते हैं, ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं या हाइपर रिएक्टिव होते हैं। सही है, कोई भी स्पोर आया, कोई भी पोलन आया, थोड़ी सी डस्ट आई, उनकी जो है ना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। सही है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो फिर उनको जो है ब्रीदिंग में मसला होता है। अब मेथेकोल जो है हम यूज़ करते हैं ताकि हमें अस्थमा के बंदे को पेशेंट का पता चले कि उसे अस्थमा है या नहीं, क्योंकि मेथेकोल हम देंगे तो वो रेडिली ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। नॉर्मल बंदा होगा उसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी या कम होगी, पर जो अस्थमा वाला पेशेंट होगा तो मेथेकोल देंगे तो वो ज़्यादा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो हमें पता चलेगा कि उस बंदे को अस्थमा है, बस इसी का यही फंक्शन, इतना खास नहीं। अब जो कार्बोकोल होते हैं, कार्बोकोल जो है इतना यूनिफॉर्मली फंक्शन नहीं करता। इसमें होता है कि हमारे पास जो ड्रग हमने दी, पहले जो है स्टिमुलेशन होगी, देन डिप्रेशन होगी, देन स्टिमुलेशन होगी, देन डिप्रेशन, तो यूनिफॉर्मली वर्क नहीं करता, तो हमें ये प्रैक्टिकली हम यूज़ नहीं करते। पर फिर भी इस ड्रग को हम यूज़ करते हैं मायोसिस प्रोडक्शन के लिए। जब हमारे पास मायोसिस का मतलब होता है जब प्यूपिल क्या हो, कंस्ट्रिक्ट हो, प्यूपिल क्या हो, कंस्ट्रिक्ट हो, तो हमें प्यूपिल की डायलेशन मतलब प्यूपिल हमें कंस्ट्रिक्ट करवाना है। अब ग्लूकोमा का पेशेंट है उसमें प्यूपिल डायलेशन हो, ज़्यादा खुला हो प्यूपिल, तो जाहिर सी बात है प्रेशर होगा, आइस पे प्रेशर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है उस बंदे को पेन होगा, तो हम जो है मायोसिस प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि उसकी प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाए और जो है उसे रिलीफ मिल जाए ग्लूकोमा के पेशेंट को, या वैसे भी मायोसिस ऑपरेशन के दौरान या कोई मसला होता है तो कार्बोकोल यूज़ करते हैं। पर ज़्यादातर पाइलोकार्पिन हमने बताया जैसे ग्लूकोमा में यूज़ होती है, तो वो ज़्यादा बेस्ट ड्रग है। अब जो सीनरी कंस्ट्रक्शन करवानी है तब भी हम यूज़ करेंगे। अब बेथेनिकोल से बी से ही पता चल जाएगा आपको ड्रग ये काम क्या करता है। इसके बॉवल एंड ब्लैडर मूवमेंट्स होती हैं, सही, बॉवल ब्लैडर, अगर जो है आपका ब्लैडर कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, आपका यूरिन जो है रुक रहा है वहाँ पे, हमारे ब्लैडर में
पर ये जो यूरिन रिटेंशन हो रही है हमारी बॉडी में वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड हो, ऑब्स्ट्रक्टिव हो, मतलब कोई स्टोन ना होना चाहिए, ना कोई सेल्स होने चाहिए, ना कोई ट्यूमर हो, तब भी यूरिन रिटेंशन हो रही हो, जैसे कि ऑपरेशन के बाद हो जाती है, सही है, या डिलीवरी के बाद हो जाती है, पोस्टमार्टम, सही है, ऑपरेशन के बाद तब होती, इस वजह से होती है क्योंकि जीआईटी पैरालिसिस हो जाता है एनेस्थेटिक्स की वजह से, या माइंटेरिक और ऑर्बिक फ्लेक्सिस जो मूवमेंट करवाते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, रुक जाते हैं वर्किंग करना, तो हम मेथनिकोल देते हैं ताकि हमारे पास जो है ब्लैडर मूव करे या उसका डिट्रेक्शन मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे और यूरिन पास हो जाए, सही है। और एटोनिक स्टमक, स्टमक किसी का नहीं कर रहा होता कॉन्ट्रैक्ट, तो हम जो है मेथनिकोल देते हैं ताकि उसका स्टमक जो है कॉन्ट्रैक्ट करे और फूड को थोड़ा सा डाइजेस्ट करे, सही है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि पेप्टिक अल्सर में नहीं देंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया जो भी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं उसका फंक्शन ये होता है कि सीक्रेशन बढ़वाना, ज़्यादा करवाना, तो पेप्टिक अल्सर में वैसे ही सीक्रेशन इतनी ज़्यादा होती है एचसीएल की, तो जाहिर सी बात है मेथनिकोल देंगे तो सीक्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरा है। और सीओपीडी मैंने बताया जैसे कि ये जो है सीक्रेशन बढ़वाते हैं और उसके अलावा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करवाते हैं, सही है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, तो जो है मेथनिकोल हम सीओपीडी वाले पेशेंट को नहीं देंगे क्योंकि इसकी वजह से जो है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है। और पार्किंसन डिजीज में नहीं देंगे क्योंकि पार्किंसन डिजीज में जो है डोपामिन वैसे ही हमारे पास कम होता है, तो हम एसिटाइल कोलिन देंगे तो एसिटाइल कोलिन ज़्यादा हो जाएगा, डोपामिन कम हो जाएगा उसकी निस्बत, तो ये बहुत ज़्यादा इंबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, तो हम मेथनिकोल नहीं देंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, यार आप प्लीज़ लोग जो है ना सब्सक्राइब नहीं करते, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो मेरा दिल नहीं करता वीडियोस अपलोड करने का। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूँगी और आपको जो है हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच।